नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर का ये कहना होता है कि आपके कहने से म्यूचुअल फंड में पैसा ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर तो दिए, पर जब ज़रूरत होगा और उस समय पैसा निकालना होगा, ऐप बंद हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो पैसा निकालेंगे कैसे? इस पे राजू श्रीवास्तव बड़ा अच्छा बोलते हैं कि खुद ही को करके बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, कि खुदा बंदे से पूछे बेटा उतरोगे कैसे? आपने पैसा लगा तो दिया, अब निकालेंगे कैसे? राजू श्रीवास्तव जी ऐसे लोग हैं ना जो कभी ऊपर नहीं जाते हैं, वो कण कण में हमारे बीच बसे होते हैं। तो यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ कि आपने किसी ऐप से पैसा इन्वेस्ट किया, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड, उस ऐप का कोई भी नाम हो, आपने वहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो 5 साल 10 साल के बाद ना चले। हालांकि ऐसा नौबत आता नहीं है बड़े ऐप के साथ, पर फिर भी मान लेते कि ना चले। तो उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ना, जो भी ऐप चला रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइडर है, कंपनी कुछ और है, बस ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमको कुछ हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पे आप बिग बाज़ार से चावल, दाल, जीरा, मरीच, धनिया, गुंडी, मिर्ची सब खरीद के लाते हैं, एक दिन बंद हो गया, हो गया तो हो गया बंद, दूसरे जगह से ले लेंगे। अब दूसरा उदाहरण है यहाँ पे कि एयरटेल का आपको सिम खरीदना था, आप शोरूम चले गए, बगल के दुकान से खरीद लिए। अब ये बगल का दुकान बंद हो जाए तो डायरेक्ट एयरटेल के शोरूम में जाके आप वहाँ से खरीद लेंगे। ये हो या ना हो, ये है क्या? एक सर्विस प्रोवाइडर है, मेन चीज़ है एयरटेल जो सर्विस देता है, पर ये जस्ट सिम बेचने वाला है। तीसरा उदाहरण है कि आप LIC का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी एजेंट से खरीदते हैं या ऑनलाइन खरीदते हैं, किसी किसी दूसरे ऑनलाइन वेबसाइट से जाके खरीदते हैं, LIC से डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं, एजेंट से खरीदते हैं या ऑनलाइन भी खरीदते हैं। अब ये एजेंट को अगर कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो क्या होगा? आपका पैसा डूब जाएगा। आप डायरेक्ट LIC के ऑफिस में जाएंगे और वहां से सारा चीज करेंगे। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड का ऐप ना चले कभी, तो आपको कहाँ जाना है? सभी AMC का, जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड के कंपनी को AMC बोलते हैं, अपना अपना ऐप है, उस ऐप में जाएंगे और वहां से पैसा निकाल लेंगे। जो भी करना है, स्विच करना है, निकालना है और पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐप के साथ साथ खुद का अपना ऑफिस भी है, बड़े शहर में ऑफिस है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, छोटे शहर में भी अब ऑफिस खुल रहा है। तो आप बड़े शहर में हैं, राजधानी में हैं, हर राज्य के राजधानी में हैं, तो एक ऑफिस तो उनका पक्का ही है। तो ऐप जो है जस्ट लाइक LIC एजेंट की तरह है, अगर ये एजेंट बीमार पड़ जाए तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ये ठीक इसी तरह से है कि एजेंट बीमार पड़ गया, क्या मतलब है कि म्यूचुअल फंड का आपका ऐप नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो म्यूचुअल फंड के कंपनी के ऐप के पास जाएंगे, जो ऐप से आपने खरीदा है वहां से ना जाके दूसरे जगह जाएंगे। तो जब तक ये चल रहा है, जब तक आपको सर्विस दे रहा है, कोई एजेंट आपको सर्विस दे रहा है, तो उनसे काम चलाते रहिए। जिस दिन बीमार पड़ेगा उस दिन डायरेक्ट कंपनी के ऑफिस में जाके कर लेंगे काम। तो डायरेक्ट AMC में जाना है, वहां काम करना है। अब एक साधारण इन्वेस्टर को कहाँ जाया जाए, क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए? तो मैं कहूँगा आपको ऐप से ही लेना चाहिए, कोई बड़े ऐप है, चाहे कोई भी प्लान ले रहे हो, आपको ऐप से ही लेना है। मैं ऐसे कई इन्वेस्टर को जानता हूँ जिनके पापा जी ने, दादा जी ने 5-5 हज़ार रुपया करके 10 जगह पैसा लगाया था 15-20 साल पहले, और आज सब मिला के उसका पैसा लगभग 10 लाख रुपया है, पर उनके बच्चे के पास इतना काम है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जितना डॉक्यूमेंटेशन है, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, KYC करना है, ईमेल अपडेट करना है, मोबाइल अपडेट करना है, पैन कार्ड नंबर दिया नहीं था वो पैन कार्ड नंबर देना है, अकाउंट नंबर पहले होता नहीं था, पैसा दिया कैश में दे दिया, चेक से दे दिया, अकाउंट नंबर पहले मांगता ही नहीं था, पैन कार्ड नंबर मांगता ही नहीं था, तो अकाउंट नंबर भी अपडेट करना है, नॉमिनी का नाम भी नहीं दिया था, जब पापा यंग थे तभी खरीद लिया था, शादी बाद में हुआ, बच्चा बाद में हुआ, नॉमिनी का नाम भी नहीं है। अब डेथ सर्टिफिकेट भी देना है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना है। अब इसका नौटंकी एक अलग लेवल का है, बताता हूँ कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट क्या होता है। होता यह है कि यदि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है और अचानक से ऊपर चले गए, तो सारे भाई बहन से कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप एग्री करते हैं कि
कि बाबूजी और दादाजी ने जिनको कहा था उन्हीं को पैसा दिया जा रहा है। ऊपर जाते समय दादाजी ने सभी के सामने ये कहा था, ये छोटका जो है ना कुछ नहीं कर सका, तुम सब लोग बाहर पढ़ने चल गए और डॉक्टर इंजीनियर बन गए, और ये जो नलायक है ना हमारा सेवा में लगा रहा, सब दिन गाँव में रहा और ये कुछ नहीं कर पाया। तो मेरा ऐसा विश है, ऐसा मेरा मन है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा किए थे ना उसको सारा का सारा छोटका भाई को दे देना, कुछ बवंडरबाजी मत करना, हम चले जाएंगे तो छोटका भाई को दे देना। तो सब लोग एग्री हो गया, भाई बहन जो भी है उसके हस्बैंड दामाद जी और बहू सब एग्री हो गया, हाँ बाबूजी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि और भी जमीन जायदाद है, वो तो लिख दो पहले, वो सब लिखा गया है, अब म्यूचुअल फंड का बाकी है, उसको बोला कि छोटका को दे देना। अब चले गए वो दादाजी ऊपर, दादाजी जब ऊपर गए तो छोटका भाई जो है हमारा वीडियो देख लिया गलती से और कागज वगज तैयार करने लगे, कागज तैयार कर लिया सारा और सारा भाई बहन के पास जा जाके कि साइन कर दो, कंसेंट दे दो कि ये सारा पैसा का नॉमिनी मैं ही हूँ। तो दो भाई बहन तो तैयार हो गए और दो भाई बहन बोला कि हमें भी चाहिए, बाबूजी तो हमारे भी थे ना, लॉजिक है भाई, बाबूजी उनके भी थे, उनके भी थे, तुम नहीं किया तुम नहीं पढ़ा तो तुम्हारा दोष है, हम तो मेहनत किए ना, पढ़ने के लिए गए मेहनत किए तो हमारा हुआ, तुम नहीं पढ़े तुम अनपढ़ रहे बुड़बक रहे, बुड़बक था ही कि माँ बाप का सेवा कर रहा था, श्रवण कुमार बन गया था, इसको स्वर्ग जाना है, श्रवण कुमार बन गया ही। तो बोला कि बन जाओ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार को पैसा थोड़ी चाहिए, बांगी चाहिए और दो गो ऐसे करके डोलची चाहिए, उसमें मम्मी पापा को घुमाना, वो तो चाहिए नहीं, तो पैसा क्या करोगे? तो क्या नहीं साइन। अब ऐसा तरह का नौटंकी ना पूरे समाज में परिवार में सब जगह है, जो जितना अमीर, हमारी वाइफ कहती है जो जितना अमीर उसके घर में उतना बड़ा छेद, ऐसे बोलते हैं कहावत है, उतना ज़्यादा बवंडर है। तो पैसा ना होना अच्छा बात है, पैसा जैसे जैसे आता है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। सदगुरु जी बोलते हैं कि पेट अगर खाली हो ना तो एक ही काम होता है कि पेट कैसा भरा जाए, और जब पेट भर जाता है ना तो हज़ारों मुश्किल पैदा हो जाता है, हज़ारों प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई ये भी लेना है वो भी लेना है वो भी लेना है। तो पेट खाली होता है तो मज़ा है, एक ही काम है पेट भरना है। अब इन सब का पेट भर गया है, डॉक्टर इंजीनियर ये सब का पेट भर गया है, पढ़े लिखे का पेट भरा हुआ है, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये है कि 10 लाख रुपया, 10 लाख उसके पास करोड़ों है तो करोड़ों को करोड़ों नहीं बोल पाता है, 10 लाख दे देंगे ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसा पैसा ना एक्सचेंज में मार्केट में करोड़ों पड़ा हुआ है जो अनक्लेम्ड मनी है, मतलब उसको कोई माए बाप नहीं, उसका क्लेम करने वाला नहीं है, डिस्प्यूट है भाई बहन में, चचा भतीजा में, बाप बेटा में डिस्प्यूट है, और पैसा कोई निकाल नहीं पा रहा है, करने वाला मेहनत करके जमा करके चला गया और लेने वाला आपस में ना ताए गुड़िया खेल रहा है, हमरा हमरा हमरा, कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है भाई छोटा भाई को दे दिया, कुछ नहीं किया, हम तो खुश हैं, हमारे पास तो बहुत है, ये संतोष किसी में नहीं है, तो करोड़ों पैसा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं, काश उसके दादाजी ने और पापा जी के समय में वो ऐप होता, वो ऐप होता तो मोबाइल पे खट 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 नोटिफिकेशन आ जाता, नॉमिनी अपडेट कर दो, ईमेल आईडी अपडेट कर दो, केवाईसी नहीं है केवाईसी कर दो। वो दादाजी छोटका बेटा को बुलाते, पैर दबते दबते, ए रे देखता कि नोटिफिकेशन आई ले करते अगर ठीक, सब ठीक 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 हो गया सब कुछ, नॉमिनी छोटका बेटा हो गया। अब कोई नहीं, सास बहू पुतहु दामाद कोई नहीं, यहाँ पे एक ही बंदा है श्रवण कुमार यहाँ पे है। तो जब ये दादाजी बाबूजी चले जाएंगे तो ये छोटका एक ऐप में फिर से अपना मोबाइल नंबर ये सब रजिस्टर करेंगे, आराम से सारा स्विच विच हो जाएगा, एएमसी कंपनी पूछने वाला नहीं है, जो छुटकी थी बेंगलोर वाली उसका कंसेंट दे दो, और जो यूएस और कनाडा में है बड़का बेटा और उसकी बड़की पुतहू उसको भी बुलाओ, कोई नहीं पूछने वाला है, वो गांव में छोटका बेटा है उसकी बहू है बच्चा है, अपना जीवन यापन धीरे 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 करके कट जाएगा, छोटा सा खेत है वैसे कट जाएगा। फिर आपका कहना होगा कि हम बूढ़े पुराने लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत बूढ़े पुराने लोग हमारा वीडियो देखते हैं, 25-30-35 वाला तो देखते ही हैं, 70 के पार वाला भी देखते हैं, क्योंकि किया है, जवानी रहते हुए म्यूचुअल फंड समझ गए थे और कागज खरीदते गए, वो रजिस्ट्री पेपर इधर उधर प्लॉट प्लॉट नहीं किए, कागज खरीदते रहे, बहुत पैसा हो गया है। अब वो सारे कागज को आप समेट के रखिए, लाइए सारे कागज को एक साथ
और सभी संतान को बुलाइए, बच्चे को बुलाइए, बहू दामाद सबको बुलाइए, एक गेट टुगेदर करिए घर में, जलसा सबको बुला करके कभी भी ओकेजन में, और सारे म्यूचुअल फंड कागज को एक साथ करके एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर को भी बुला लीजिए, और जो आपके मन में है किसको देना है, क्या करना है, नॉमिनी किसको बनाना है, आपका जो विश है, छुटका को देना है, बड़का को देना है, उसको देना है, पोता को देना है, पोती को देना है, वो सारा मोबाइल नंबर, ऐप, ईमेल, नॉमिनी सब कुछ करके 100% कागज को तैयार कर लीजिए। अगर ऐसा ये सब नहीं करेंगे, अगर मान लो ये सब नहीं करेंगे जो मैं बताया, सारा कागज लेके एडवाइजर को बुला के जो अपना काम बन है वैसा नहीं किया, तो पैसा का ना पहाड़ बन जाएगा, वहीं रहेगा जहाँ जमा किया, आपके परिवार में, आपके ज़िंदगी में वो पैसा वापस नहीं आएगा अगर ये सब काम नहीं किया तो। और कंपनी जो है ना, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, बोलेगा सारा का सारा कागज चाहिए, अपडेट चाहिए, सब कुछ प्रॉपर चाहिए, नहीं तो क्या पता है क्या बोलते हैं, ई नहीं देंगे। समझ जाइए, सब कुछ दे देंगे पर ई वाला नहीं देंगे आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली मेम्बर्स के बीच, बूढ़े पुराने लोगों को जो म्यूचुअल फंड में, मार्केट में, एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।